ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। इस बात पे रोज फोकस करते हैं कि आप स्वयं को पहचानो। तो क्या अभी तक हमने स्वयं को ठीक से नहीं पहचाना है? इस बात का क्या मतलब हुआ? यही हुआ ना कि रोज रोज जो फोकस किया जा रहा है कि आप स्वयं को जानिए। आप क्यों भूल जाते हैं कि आप आत्मा हैं? तो रोज इस चीज को समझिए। हर मुरली में यही बात दोहराई जाती है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो क्या अभी समझ नहीं पाए हैं? क्या समझते हैं आप लोग? आपका मन क्या कहता है? अभी हम समझ नहीं पाए हैं। जिस हिसाब से, जिस लेवल से भगवान हमें समझाना चाह रहा है, क्या उस लेवल तक हम समझ गए? समझ गए? कहीं ना कहीं अभी वो लेवल हमारा नीचे है, अभी ऊपर नहीं गया है। जिस क्षण ऊपर चला जाएगा, उस क्षण भगवान हमें दूसरी बात पे फोकस करेगा। और अभी उनका सारा फोकस किस बात पे है? स्वयं को जानिए। इसका मतलब हम स्वयं पर ध्यान अभी कम दे रहे हैं। तो जब हम स्वयं पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ध्यान किस पे दे रहे? जब हम स्वयं पर ध्यान नहीं दे रहे, तो दे किस पे रहे? शरीर को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। अक्सर हमारा फोकस किस पे जाता है? ये क्या कर रही है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, सामने वाले क्या कर रहे हैं। दूसरों का फोकस ज्यादा रहता है ना, वो सामने दिख रहे, और अपने पे फोकस कम रहता है। ऐसे ही है ना? तो हम क्या करें जो मेरे में ऐसा मेरे प्रति फोकस आए, और जो परमात्मा हमसे करवाना चाह रहे हैं वो हम कर लें? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अटेंशन। और क्या करना पड़ेगा? स्वदर्शन चक्र फिराना पड़ेगा। देखिए, कुछ तो उपाय हमें करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करना पड़ेगा ना। अच्छा, और क्या करेंगे? आपको पता है, सारा कुछ जो भी हमारे जीवन में या आसपास जो कुछ भी होता है, वो सब कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है। तो ठीक कहाँ करना है? कंप्यूटर देखा है ना, उसमें क्या करते हैं? जो हम इनपुट करते हैं वही आउटपुट आता है। तो ये मनुष्य का ब्रेन भी क्या है? एज ए कंप्यूटर। इसमें जो इनपुट करेंगे क्या होगा, वही आउटपुट आएगा। तो इनपुट क्या है? हमारे विचार, हमारे थॉट। जैसे हम थॉट क्रिएट करेंगे, वैसे ही हमारी जीवन बनती जाएगी। तो हमें फोकस कहाँ करना है? बीज क्या है? सबसे पहला विचार, मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। फॉर द एग्जाम्पल, बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल भी बताया है कि पानी होता है ना, उसको आप बॉइल करें, गर्म हो जाता है, वापस जमीन पे रख दें, नॉर्मल हो जाता है।
और वो नॉर्मल होने में कैसा होता है, ठंडा। आप फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज ही हो जाएगा, लेकिन वापस रख देंगे नॉर्मल वातावरण में, ठंडा। तो उसका नेचुरल रूप कैसा है? ऐसे ही आत्मा है। आत्मा में जब पांच विकार नहीं होते हैं तो ये शांत है, और जब कोई ना कोई विकार इसके अंदर आ जाता है तो ये कैसी हो जाती है? तो अशांत हो जाती है, फिर इसका रूप बदल जाता है। तो सारा फोकस है हमारे विचारों का।